मैं हूं प्रभजोत कौर और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। राम गोपाल वर्मा अक्सर कई हस्तियों को लेकर ट्विटर पर भद्दे कमेंट करते रहते हैं। एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ को लेकर भी राम गोपाल वर्मा ने कई बार विवादित ट्वीट किए हैं, लेकिन इस बार तो राम गोपाल वर्मा ने हद ही कर दी। रामू ने न सिर्फ टाइगर पर भद्दे कमेंट किए बल्कि उन्हें गालियां भी दे दी, लेकिन टाइगर श्रॉफ ने रामू को जवाब देने से इनकार कर दिया है और इसकी वजह भी बताई है। टाइगर श्रॉफ ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया है, रामगोपाल वर्मा एक वरिष्ठ इंसान है, उन्होंने जो कुछ भी कहा उस पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता हूँ। मेरे माता पिता नहीं चाहते कि उनकी किसी कमेंट पर मैं प्रतिक्रिया दूं। इससे पहले टाइगर ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था, रामू सर कभी बेतरतीब हो जाते हैं, विद्युत सर और मैं मार्शल आर्टिस्ट हैं और मार्शल आर्ट का पहला नियम है आक्रामक नहीं होना। मार्शल आर्ट का इस्तेमाल मैं कभी भी किसी के साथ लड़ने के लिए नहीं करूंगा। रामू सर और विद्युत सर मेरे सीनियर हैं, मैं दोनों के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता। बता दें कि रामगोपाल वर्मा ने टाइगर को लेकर कई विवादित ट्वीट किए थे जिसमें वो विद्युत और टाइगर को लड़ाना चाहते थे। इसके बाद विद्युत ने एक रिकॉर्डिंग शेयर भी की थी जिसमें रामू टाइगर को एक औरत कह रहे थे। अब ये भी बता देती हूँ कि रामगोपाल वर्मा की फिल्म सरकार 3 अगले महीने रिलीज हो रही है जिसमें जैकी श्रॉफ भी अहम भूमिका में है। शायद यही वजह है कि जैकी नहीं चाहते कि टाइगर रामू के बारे में कुछ बोले। लेकिन सवाल यह है कि टाइगर बर्दाश्त करें तो आखिर कब तक करें। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड और टेलीविजन की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।